थैंक यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत 7 बजे की इस जूम मीटिंग में। मैं अलीगढ़ से मोहसिन खान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ काफी सारे लोग मौजूद हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि हमारे गोल्ड लॉयन सभी सर के साथ हमारे मिस्टर के पी यादव सर मौजूद हैं। बहुत वार्म वेलकम है, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शो हो रही है सर? यस, क्लियर हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। समथिंग 92-91 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, अपने साथी हमारे साथ हैं और ये नंबर बढ़ रहा है। सो आई एम लॉन्चिंग अ पोल विद यू गाइस, आर यू ऑल एक्साइटेड विद दिस सेशन, फॉर दिस सेशन? क्या आप लोग सभी एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? ये पोलिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ लोगों ने उस पर जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। यस, नाउ काउंट इज इंक्रीजिंग। यस, प्रभा यादव जी, नीरू जैन जी, किरण बालाजी, धीरज जी, रमानंद जी, सभी लोग, सुल्तान जी, पूजा जी, मुजाहिद परवेज खान, ब्रॉन्ज लॉयन अपकमिंग अलीगढ़ से, गिरीश जी, अरविंद कुमार पांडे सर, सर ग्रेट लीडर सर, हमारे सर का साथ हमारे साथ है तो हम इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। गिरीश कुमार पांडे जी, वीरेंद्र जी, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आज के लिए, और 22-26 इस समय हो चुके हैं, 26 लोगों ने इस समय वोटिंग की है आउट ऑफ 93-94। अनीता गौतम जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेंट करिए। सभी लोगों के पास पोल पहुंचा होगा, मैं अब इस पोल को जो है क्लोज करने जा रहा हूं। दिनेश यादव जी, बहुत बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विनोद चौहान सर, सिल्वर लॉयन, गुड मॉर्निंग सर, वेरी मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी लोगों को बहुत बहुत, सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट साथियों, वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स, 103 क्रॉसओवर हो चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेशन को। सफी सर, अगर कोई इशू बीच में आवाज का या माइक का आए तो सर प्लीज जो है आप मेरे को इसमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके सर, ओके।
बेसिकली मैं अभी मोबाइल से लॉग इन नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाएगा, और अगर आए तो कोई इशू आप सर अपना माइक अनम्यूट जी सर सबको अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया सबको, कर दिया सर सबको, कर दिया सभी को अनम्यूट कर दिया। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मोहसिन खान अलीगढ़ का स्वागत करता हूं 7 बजे की इस जूम मीटिंग में, जहां पर आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। बेसिकली है तो वही पुराना सब कुछ जो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अगर अप में लेकर चलते हैं, अपने लिए नया सोच कर चलते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अपने आप में एक ऊर्जावान महसूस करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू थिंक, हम कैसे सोचें या हम अपनी सोच को अलग किस तरीके से रखें। साथियों, हमारी जो सोच होती है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें अपनी सोच को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से अपने सोच को जो है संवारना है कि जिससे हम अपने लिए एक नया रास्ता बना सकें। क्योंकि कहते हैं कि पांव की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और जब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें एक सफल व्यक्ति बनना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच पे काम करना होगा। फ्रेंड्स, सोच एक ऐसी चीज है कि जो हकीकत में आने से पहले सारी चीज आप जी लेते हैं। सोच में आया, सोच में आया, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं थिंक की, ग्रोथ की। सो ग्रोथ कैसी होती है, थिंक कैसी होती है, सोच कैसी होती है, तो थिंक हमारी कैसी होनी चाहिए। तो सच्चाई ये है कि सबसे पहले हमारी जो सोच है वो ट्रू होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। दूसरा, हमारी सोच के अंदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, सामने वाले की मदद करने वाला एक नेचर होना चाहिए हमारे अंदर। जब हम सामने किसी को मदद करने जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, तो हमारी सोच के अंदर ये होना चाहिए कि यार वो बंदा नीड में है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, ये सिस्टम प्रोवाइड करा के हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम उससे फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को ये माध्यम रखेंगे कि हम उसके साथ उसका मदद वाला व्यवहार रख रहे हैं, अपनी सोच में सच्चाई रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। हमारी सोच इंस्पायरिंग होनी चाहिए, लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करना चाहिए, ही काम करना है। फ्रेंड्स, जिसको जो जरूरत है उसको उसी की जरूरत के अकॉर्डिंग ही काम करें। किसी को अगर BCM की जरूरत है तो उसको BCM ही प्रोवाइड कराएं, किसी को कोई फूड सप्लीमेंट की जो पर्टिकुलर नीड है उसको नीड के अकॉर्डिंग ही काम कराएं, क्योंकि आदमी हमेशा अपनी नीड का सामान खरीदता है। अगर किसी को कोई सर में दर्द हो रहा है तो बाजार से वो टैबलेट खरीदने नहीं जा रहा है, वो अपने सर का दर्द का इलाज खरीदने जा रहा है, वो अपनी जरूरत को पूरा करने जा रहा है। बेसिकली ये जरूरत ही होती है जो हमें हमारे काम के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आविष्कार कब होते हैं, जब आवश्यकता होती है, यानी कि जब नेसेसरी होती है, जब किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं हम, तभी हम उस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स,
सारी चीजों का ध्यान रखें कि सामने वाले की नीड क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको हम आगे फोकस करें। काइंड होना चाहिए हमारा नेचर। हम किसी के साथ मिलने जा रहे हैं तो एक भावना हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि उसके प्रति हम काइंड रहें। ऐसा नहीं अच्छा मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, कोई बात नहीं बेटा बताता हूं तुझे, फ्रेंड्स। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखने जा रहा हूं, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंस करते सकते हैं हम एक स्मॉल थिंकर और एक बिग थिंकर के बीच में। यहां हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग, दो अलग अलग सोच रखने वाले लोग सेम सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, इस चीज पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन यहां पर दी गई है आपके सामने, एक्सपेंसेस, खर्चे की। एक ही सिचुएशन दो अलग अलग दिमाग वाले लोग, दो अलग अलग सोच रखने वाले लोग किस तरीके से उस सिचुएशन को पर फोकस करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके और अपने खर्चे उसके ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अगर बताऊं तो शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी कि एक राजा ने एक लाइन खींच दी और अपने मंत्रियों को बोला कि उसमें से एक बिना हाथ लगाए इस लाइन को छोटा करके दिखाइए। तो वहीं एक समझदार मंत्री ने आकर उससे बड़ी लाइन खींच दी। तो जो पहली वाली लाइन जिसको छोटा करना था, दैट इज योर एक्सपेंसेस। अगर आपको अपने खर्चों को छोटा करना है तो आप अपनी इनकम का दायरा बढ़ा सकते हैं, सेल्स को डबल कर लीजिए, आपकी इनकम डबल हो जाने वाली है। तो खर्चे अपने आप आपके रिड्यूस दिखाई देंगे। तो सेम सिचुएशन में दोनों लोग सोचते हैं कि खर्चों को कम करने में लगा रहता है, कॉस्ट कटिंग में लगा रहता है, दूसरा अपने आप को बड़ा करने में, बड़ा बनाने में, अपने आप को ब्रांड बनाने में लग जाता है, सेल्स को बढ़ाने में लग जाता है। तो हम किस तरीके से सोच सकते हैं ये हमारे ऊपर है। अगली सिचुएशन है टॉकिंग, बातें करना। स्मॉल थिंकर हमेशा नेगेटिविटी की बातें करेगा, कंपनी में कोई नेगेटिव बात, लोगों में कोई नेगेटिव बात, इसी तरीके की चीजें लोगों के अंदर वो स्टार्ट कर देता है, बातें करना स्टार्ट कर देता है, डर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। 500 कंपनी रोजाना बनती हैं, रोजाना बिगड़ती हैं। आप डर क्रिएट करेंगे लेकिन अगर आप निगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देंगे तो अपना ही नुकसान करने वाले हैं फ्रेंड्स। एस्पेक्ट्स को देखता है, कुछ लोग जब तक इनकम आ रही है कंपनी से तब तक अपने आप को समझते हैं कि हाँ जी हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जब तक इनकम आएगी उसको बहुत बढ़िया, उसकी तारीफ भी करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे भी, इस जैसा कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन वहीं थोड़ा सा अगर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है तो उस डाउनफॉल से घबरा जाते हैं, अरे कंपनी बेकार है सब, कुछ नहीं आता इसके अंदर। वहीं पॉजिटिविटी की बात कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, अपने आप को फील पॉजिटिव रखिए। क्योंकि साथियों जब हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है जो हमारी सेम थिंकिंग के लोगों के साथ में मैच होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम निगेटिव सोच रखेंगे तो हमारे आसपास भी निगेटिव लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे आसपास भी पॉजिटिव लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमें किस तरीके से सोचना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेस के बारे में स्मॉल थिंकर क्या कहते हैं,
कि वो जितनी जिस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं, वो उसी कंडीशन पे रहना चाहते हैं, वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। किसी की अगर बैठा हुआ है, कोई अच्छी सी कुर्सी उसको मिल गई है, वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन बड़ा थिंकर, बिग थिंकर होता है, वो हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचता है। उनके अंदर आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, आप कंट्रोल्ड महसूस करते हैं, और उससे अगला जो जोन होता है दैट इज फियर जोन, डर का जोन होता है वो। तो स्मॉल थिंकर इस डर के जोन के आगे जाना नहीं चाहता, इस डर के जोन से टकराकर वो वापस पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको फेलियर का डर रहता है, उसको नाकामयाबी का डर रहता है। वो बहाने मारना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड्स, वो नए नए आइडियाज को अपने पास लॉन्च नहीं होने देता, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन वही जो बिग थिंकर होता है वो हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचता है, वो इस कंफर्ट जोन, इस कंट्रोल जोन से बाहर निकलता है, वो एक्सक्यूजेस को ना समझते हुए और आगे बढ़ता है और अगली जोन में बढ़ता है। यानी वो सबसे पहले अपने फियर फैक्टर पर काबू करता है। तो सबसे पहले हमें अपने फियर फैक्टर पर काबू करना है, हमें हार के डर से बचना है। जीत या हार बाद की बात है, हमें पहले लर्निंग पे फोकस करना है। तो अपने डर को क्रिएट करिए और उस डर से आगे बढ़िए, जो भी डर है उसको बाहर निकालिए, उस डर से आगे बढ़िए। अगला जोन आपको लर्निंग जोन मिलने वाला है फ्रेंड्स। उस लर्निंग जोन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको मिलेंगी। अपने अपलाइन के टच में रहिए, नई नई बुक्स पढ़िएगा, नए नए वीडियोज देखिएगा, और जो लोग बाहर से बोलते हैं जो आपकी थिंकिंग के साथ में मैच करता है, उनकी लिस्ट बनाइए, उनके आइडियाज को अपने पास रखिए, उन पे शोधन कीजिए, उनको रिसर्च में लाइए और अपनी नई स्किल्स को डेवलप कीजिए। जब आप लर्निंग जोन को क्रॉस करेंगे तो ग्रोथ जोन में आ जाते हैं, जहां पर आपका विजन एक्सपेंड हो जाता है, जहां पर आपको माइलस्टोन आपके सरपास होने लगते हैं, और आप अपने नई परिभाषा के साथ अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सपेंशन पे जाइए, जहां एक्सपेंशन करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जो कि लोग नहीं करते हैं। फ्री की ट्रेनिंग्स होती है, या फ्री की ट्रेनिंग्स में भी लोग बहुत कम पहुंचते हैं। ये ट्रेनिंग्स जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं फ्रेंड, जो आज मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो लोग पेड सेशन में जाना चाहिए आपको, कि पहले फर्स्ट अपने आप कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फियर जोन से बाहर निकलिए, लर्निंग जोन में आइए, उसके बाद ग्रोथ जोन में पहुंचिए, एक्सपेंशन नया को डेवलप कीजिए, अपने टीम वर्क पे काम कीजिए, अपने आप की इंप्रूवमेंट कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके गोल्स आपके करीब आते जा रहे हैं। जो स्मॉल थिंकर होता है वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने आप को एक लिमिटेड दायरे के अंदर रख लेता है। वहीं जो बिग थिंकर होता है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाता है, वो अपने फ्यूचर को सोचता है, उसके बारे में सोचता है, इनोवेशंस के बारे में सोचता है, नए आइडियाज के बारे में सोचता है, नई थिंकिंग के बारे में सोचता है। फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपको जब मिलेंगी तो आप अपने बारे में सोचिएगा, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, क्योंकि बेसिकली ये डिफरेंस रहता है स्मॉल थिंकर और बिग थिंकर के बीच में, कि जब आप अपने आप को बड़ा सोचने लगते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका फ्यूचर ब्राइट दिखेगा आपको। नई नई लर्निंग्स पे ध्यान दीजिएगा, नई नई इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन और भी हो सकती है, जैसे कि वर्क वाली सिचुएशन जो आती है, इस वर्क की सिचुएशन के अंदर स्मॉल थिंकर क्या करता है, वो हमेशा अपने काम से बचने की कोशिश करता है फ्रेंड्स। वो सोचता है कि मुझे शायद काम ना करना पड़े, जैसा कि MLM इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मुझे दो लोग मिल जाएं, एक लेफ्ट एक राइट, मेरा तो काम हो गया साहब। क्या लेफ्ट राइट लोग मिलने से अपना काम हो गया? क्या वो ग्रोथ, क्या उसके हम एक्चुअल हकदार थे? कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं साथियों। ये सोच रहती है कि स्मॉल थिंकर की,
ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क, वो हमेशा अपने आप को काम से बचाने की कोशिश करते हैं। वही जो बिग थिंकर होते हैं, जो बड़े थिंकर होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो काम में बिजी होने के बावजूद कहते हैं कि मैं इसको भी कर सकता हूं। डू मोर एंड मोर वर्क, वो अपने काम को मैनेज करते हुए और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। जो वो काम कर रहे होते हैं उसमें से वो समय बचाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सभी को 24 घंटा दिया है। इन्हीं 24 घंटों के अंदर कुछ लोग कामयाबी के शिखर को पहुंचते हैं, कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपने आप का बहाना बनाकर, अपनी परिस्थितियों का बहाना बनाकर अपने आप को सोचते हैं कि ठीक है यार मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो ये समय कहां से आएगा? कोई 25वां घंटा तो कोई प्रकृति किसी को देने वाली नहीं है। सभी के खाते में 24 घंटे उतारे हैं और इन्हीं 24 घंटों के अंदर ही सभी ने काम करना है। बस फर्क आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जो बड़ा थिंकर होता है, जो बिग थिंकर होता है, वो अपने आप को मैनेज करता है, अपने टाइम को मैनेज करता है फ्रेंड्स। तो हमें भी क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। किसी ने बताया था कि जो स्मॉल थिंकर लोग होते हैं, जो लिमिटेड दायरे के अंदर लोग काम करते हैं, वो 8 घंटा काम करते हैं, वो नौकरी करते हैं या अपना स्वयं का रोजगार करते हैं, वो 8 घंटा काम करते हैं। लेकिन वही जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं, बड़े थिंकर्स होते हैं, बड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो 8 घंटा काम करते हैं अपने जीने के लिए, प्लस 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं वो लोग अपने भविष्य के लिए, अपने सपने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो हम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्या हम दिन भर के लिए जो 8 घंटा होता है उसी 8 घंटे के अंदर कंसेंट रहना चाहते हैं, या 4 घंटे एक्स्ट्रा देकर अपने आप को इंप्रूवमेंट और लर्निंग जोन में और अपने आप को ग्रोथ जोन में हम पहुंचाना चाहते हैं फ्रेंड्स? वहीं जो स्मॉल थिंकर होता है, उसके लिए कॉम्पिटिशन हमेशा एवरेज वाले लोगों के साथ में होता है, वो हमेशा अपने बराबर वालों के साथ में कॉम्पिटिशन में देखता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा हूं तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा सा अगर वो बेहतर अपने आप को पाता है, वो अपने आप को वही स्टेबल कर लेता है। वहीं जो बिग थिंकर होता है, वो बेस्ट के लिए कम्पीट करता है, वो अपने आप को यूनिक बनाए रखने के लिए कम्पीट करता है। और याद रखिए, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है। आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट जोन में डालिएगा, अपने आप को नई नई लर्निंग के माध्यम से अपने कंपटीशन को खुद ही बीट कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा ऊपर वाले ने कभी अकेला बनाया है, आपकी थिंकिंग को अकेला बनाया है। और जैसे आप खुद हैं, वैसे ही आपकी थिंकिंग है फ्रेंड्स, आपकी थिंकिंग ही इनोवेटिव है। बस जरूरत है वहां थोड़ा सा उसको साफ करने की, उसको नरिश करने की, उसको पॉलिश करने की। जब आप अपने आप को नरिश करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो एक चमक आपके अंदर आएगी। उस चमक से जाहिर सी बात है आपको अपने अंदर एक नया अनुभूति होगी, अपने आप का सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक एहसास होने वाला है। तो हमेशा जो कंपटीशन है वो बेस्ट टू बेस्ट के साथ कीजिए, यूनिक के साथ कीजिए, और या तो नंबर वन बनिए या फिर यूनिक बनिए। एक और सिचुएशन, बजट की जब सिचुएशन की बात करते हैं, तो जो स्मॉल थिंकर होते हैं वो पैसे को बचाने में बिलीफ रखते हैं फ्रेंड्स, वो पैसे को बचा के रखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए इतना रख लिया, हाउस बनाने के लिए इतना रख लिया, छुट्टियों पर जाने के लिए इतना रख लिया, बच्चों के लिए इतना रख लिया, पढ़ाई के लिए इतना रख लिया, शादी के लिए इतना रख लिया। सभी के साथ होता है ये? उनके साथ होता है जो लिमिटेड दायरे के अंदर, ये उनके साथ होता है जो लिमिटेड दायरे के अंदर काम करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वही जो बिग थिंकर होता है, वो अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचता है, सेव करके रखता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट को वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। और जब इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम नई नई चीजें सीखेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे, नए इनोवेशन सीखेंगे, उससे अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, मनी को सेव करने के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। लायबिलिटीज और असेट्स दो चीजें होती हैं। अगर लायबिलिटीज में बात करेंगे तो वो मतलब कि आपका खर्चा करवा रही है,
और असेट का मतलब वो आपको कमा के दे रही है। तो ये लोग जो बड़े थिंकर होते हैं ये असेट पर खर्चा करते हैं, लेकिन स्मॉल थिंकर जो होते हैं वो लाइबिलिटीज पर खर्चा करते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा लेते हैं। वहीं जो बिग थिंकर होते हैं, इनोवेटिव थिंकर होते हैं, ये अपनी इनकम के दायरे को बढ़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, गोल्स, सेम सिचुएशन दो अलग अलग थिंकर्स के नजरिए। स्मॉल थिंकर स्मॉल गोल्स बनाएगा, छोटे गोल बनाएगा, हमेशा सोचेगा बस आज का काम चल जाए, अभी का काम चल जाए, मेरी सिचुएशन बस मैनेज हो जाए, क्या करना है जिंदगी में, ये सोच होती है। वहीं जो बिग थिंकर्स होते हैं उनकी सोच क्या कहती है फ्रेंड्स, बिग थिंकर्स की सोच कहती है कि आपकी जिंदगी एक बार आपको मिली है, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचिए, उसके लिए एक्शन प्लान कीजिए। जितनी बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए और उसको अचीव करने के लिए लग जाइए। दिस इज द थिंकिंग ऑफ बिग थिंकर्स, बड़ा सोचते हैं। सेम सिचुएशन है, उसी सेम सिचुएशन के अंदर, क्योंकि जिंदगी सभी को एक ही बार मिली है, उस सेम सिचुएशन के अंदर कुछ लोग आज अपना काम चलाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग इस जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोगों ने याद रखी। स्मॉल थिंकर्स स्मॉल होता है, बिग थिंकर्स का गोल बड़ा होता है, इनका विजन बड़ा होता है। सिक्योरिटी, स्मॉल थिंकर्स सिक्योरिटी के मामले में सोचते हैं कि मैं जिस एरिया में हूं, मैं जिस दायरे के अंदर हूं, दैट इज ऑल सिक्योर। वो हमेशा अपने आप को एक जोन के अंदर ढाल के रखते हैं, वो सोचते हैं कि जैसा हम हैं बस, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन बड़ा थिंकर सक्सेस के बारे में सोचता है, जब सक्सेस के बारे में सोचेगा तो जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, उनसे डील करने के लिए हमेशा तैयार रहता है बिग थिंकर, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग फैक्टर को लेने के लिए तैयार है हमेशा। क्योंकि जब सक्सेस के लिए रास्ते में चलेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो कुछ तकलीफें आएंगी, कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां इसको सही और गलत में से कुछ चुनाव करना पड़े, तो ये इसके लिए बड़ी सिचुएशन वाली बात हो जाती है। लेकिन जो अपने आप को एक लिमिटेड दायरे के अंदर बंद करे हुए है, उसके लिए तो ये सब चीजें मायने नहीं रखेंगे। क्या चाहिए हमें, क्या हम अपने आप को एक सिक्योर लाइफ के अंदर इस तरीके से, एक लिमिटेड दायरे के अंदर इस तरीके से बंद ताले के अंदर रहना चाहिए, या हमें बड़ा सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, एक किस्सा मैंने, जिसमें एक मेंढक, जो समंदर का मेंढक था, जो नदी का मेंढक था, समंदर के रास्ते जा रहा था, मतलब नदी के रास्ते होते वो समंदर की तरफ बह जाता था, तो वो नदी में से निकलकर कैसे ही एक कुएं में पहुंच गया। और वहां कुएं में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां ऑलरेडी कुछ मेंढक थे पहले से, उसने बात की, उनसे पूछा, बताया अपने, ये तुम लोग इस जगह में कैसे रहते हो, इस छोटी सी जगह में किस तरीके से आप लोग रहते हो। तो उस मेंढक ने कहा, जो नदी का था, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन जो कुएं वाला मेंढक था, उसने कहा कि नदी कैसी होती है, हमने तो कभी देखी नहीं। तो नदी वाले मेंढक ने कहा कि नदी बहुत बड़ी होती है। कुएं वाला मेंढक अपने हाथों को फैला के कहता है, क्या इतनी बड़ी होती है? नदी वाला बोलता है कि नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी होती है। उन्होंने कहा अच्छा। कुएं वाला मेंढक एक जगह से उठ के दूसरी जगह कूद जाता, बोला देखो इतनी बड़ी होती होगी, जितनी बड़ी उसने छलांग लगा दी। नदी वाला बोला नहीं, इससे भी बड़ी होती है। कुएं वाला ने कुएं के एक कोने से कुएं के दूसरे कोने तक जाकर छलांग लगा दी। नदी वाला कहता है इससे भी बड़ी होती है। अब कुएं वाला मेंढक बोला, यार तुम फ्रॉड आदमी हो, बिल्कुल तुम झूठ बोल रहे हो, कुएं से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, ना हमारे दादा ने बताया, ना परदादा ने बताया, ना पिताजी ने बताया, सब यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए, हम भी यहीं पैदा हुए हैं इसी कुएं के अंदर, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है।
तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कंडीशन गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कुएं से बड़ा कुछ नहीं होता। दोनों की सोच अलग थी फ्रेंड्स, दोनों मेंढक अपनी अपनी जगह सही थे। जो कुएं वाला मेंढक था उसने कुएं से ऊपर का भी कुछ देखा नहीं, तो उसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो बाहर से आया था वो अपनी जगह सही था, क्योंकि उसने दुनिया देखी थी। तो हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। किसी का विश्वास कीजिएगा, अगर कोई आपको कुछ चीज सिखा रहा है या बता रहा है तो उसको मानिए। कोई अगर उस रास्ते पर चलकर सक्सेस हो चुका है तो उसको सोचिए। जब आप प्लान लेकर किसी के पास जाते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को सिचुएशन अपने बताते हैं, उसको बताते हैं ऑफर के बारे में, और वो अगर आपके साथ नहीं जुड़ रहा है तो उसको समय दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो उस कंडीशन में ना हो कि आपकी बात अभी समझ पाए। पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनर्स। सिचुएशन सेम, दो अलग अलग थिंकर्स की यहां पर सोच क्या कहती है। पार्टनर्स स्मॉल थिंकर के पास जो पार्टनर की कम्युनिटी होती है वो स्मॉल थिंकर वाली होती है, वो उन्हीं जैसे लोगों की थिंकिंग होती है। बड़े थिंकर, बिग थिंकर्स, इनोवेटिव थिंकर्स हमेशा अपने आसपास नए नए आइडियाज जनरेट करने वालों का ग्रुप बना के रखते हैं। नीचे अल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो भी देख रहे होंगे, इन्होंने लिखा है वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएट देम। जब हम लोगों का माइंड, अलग अलग लोगों का माइंड एक सेम सिचुएशन के लिए आता है तो उसमें अलग अलग आइडियाज जनरेट होते हैं सेम सिचुएशन के लिए। स्मॉल थिंकर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनकी सिचुएशन की सेम, उनकी सिचुएशन भी सेम होती है, और फ्रेंड्स समझदार लोग भी एक जैसा सोचते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो सब एक जैसा सोचते हैं। इस पर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक बार अकबर बादशाह ने कहा कि एक कुआं खोदा और उस कुएं को बोला कि इस कुएं को दूध से भरवा दीजिए, इस कुएं को दूध से भरवा दीजिए। अकबर बादशाह ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो उनके खास मंत्री थे बीरबल जी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप ऐसा ऑर्डर देंगे तो लोग इसको दूध से नहीं भरेंगे, पानी से भरेंगे। बोले कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा आदेश है आप करवा दीजिए, लोगों को ही ऑर्डर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि ये जो कुआं है रात के वक्त इसमें सभी लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आएंगे या एक एक बाल्टी दूध लेकर आएंगे और इस कुएं के अंदर डालेंगे, लबालब दूध से भर जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर दे दिया गया। भाई राजा आज्ञा थी, सबको माननी थी, सभी लोग चल दिए। लेकिन उन सबके साथ कंडीशन ये थी कि सब लोग अपने अपने बर्तन को ढककर लाएंगे, सभी लोग अपने अपने बर्तन को ढककर लाएंगे। तो लाइन बहुत लंबी लग गई और सभी लोग एक एक बाल्टी लेकर आते थे और उस कुएं के अंदर डाल देते थे। सभी लोग आते गए, डालते गए, आते गए, डालते गए, आते गए, डालते गए, और सुबह तक वो कुआं भर गया। फ्रेंड्स सुबह हुई जब बीरबल और अकबर साहब दोनों आए, उन्होंने देखा कि कुआं वाकई में भरा हुआ है, लेकिन वहां बीरबल की बात सच थी, कुआं पानी से भरा था ना कि दूध से, जबकि शाही ऐलान क्या दूध से भरा जाएगा, लेकिन वो कुआं पानी से भरा गया। वहां थिंकिंग लोगों की ये हुई कि सभी लोग दूध डाल रहे हैं, अगर हम एक बाल्टी पानी डाल देंगे इसके अंदर तो किसी को क्या पता चलने वाला है कि हमने दूध डाला था या पानी डाला था, क्योंकि हम तो अपना बर्तन ढक के ले गए थे। तो जो लोग इस तरीके की सिचुएशन रख रहे थे तो सामने वाला भी वही सोच रहा था, क्योंकि उस गांव में, उस शहर में या उस राज्य में हर आदमी ने यही सोचा कि सभी लोग तो दूध डाल रहे हैं, अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, किसी को क्या। तो समझदार लोग सब एक जैसा सोचते हैं। तो स्मॉल लोगों की जो कम्युनिटी होती है वो उन्हीं के जैसा सोचती है, इनोवेटिव लोगों की जो कम्युनिटी होती है वो उनके जैसा सोचती है।
अगर आप किसी कम्युनिटी के अंदर हैं, अगर आप किसी 5 लोगों के ग्रुप में खड़े हुए हैं, तो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कैसा है, तो आप भी उसी ग्रुप का पार्ट कहलाएंगे। अगर आप 5 समझदार लोगों के पास खड़े हुए हैं तो 6ठे समझदार वहां आप कहलाएंगे, लेकिन अगर 5 आप बेवकूफ लोगों के पास खड़े हुए हैं तो 6ठे फिर समझ लीजिए, मैं नहीं कहूंगा इस चीज को। अगर कोई बॉस बाहर से देख रहा है और कुछ 5 लोगों का ग्रुप ऐसा है कि वो काम नहीं कर रहा और आपस में गप्पे लड़ा रहा है, और आप बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, वहीं अगर आप उनके पास भी खड़े हो जाएंगे तो बॉस क्या कहेंगे आपके, ये भी नहीं जैसा। तो ये थिंकिंग का डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स। अगर आप किन्हीं ऐसे लोगों की कम्युनिटी में रहते हैं जो 1-1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन आप उन लोगों की कम्युनिटी में रहते हैं जो 10-10 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं और आप उनसे लाखों की जो है राय लेने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको 1 लाख रुपए वाली राय नहीं देने वाले, वो भी आपको वही राय देंगे जहां तक वो सोच पाते हैं, क्योंकि 10 हजार कमाने वाला 1 लाख की राय नहीं देगा फ्रेंड्स। जो कम्युनिटी में आप रहते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को बड़ा करिए। अपनी कम्युनिटी को बड़ा करने का मतलब है हमारा कि उन लोगों की बुक्स को पढ़िए, उन लोगों के टिप्स को सुनिए, उन लोगों की वीडियोस को सुनिए, उन लोगों की संगति में रहना स्टार्ट कर दीजिए जिनके, स्मॉल थिंकर कम्युनिटी से जो लोग होते हैं वो सेम उसी कंडीशन वाले लोग अपने आप को बड़ा इनोवेटिव और डेवलप्ड और अपने आप को ग्रोथ में डालना चाहते हैं। सेम सिचुएशन, 2 लोगों की अलग अलग विचारधाराएं क्या कहती हैं, अगर गलती हो जाती है तो, फॉल्ट्स गलती हो जाती है तो, गलती किससे नहीं होती, सभी इंसान है, सभी से गलती होती है। लेकिन जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं उनका सोचने में और जो स्मॉल थिंकर्स होते हैं उनके सोचने में बहुत फर्क आ जाता है भाई। स्मॉल थिंकर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते, डोंट टेक लेसन फ्रॉम द मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। लेकिन वहीं जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मिस्टेक इज ओनली अ मिस्टेक इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट, गलती तब तक गलती है जब तक आप उससे सीख नहीं लेते। आज मैं अगर वो मैंने गलती दोबारा करी तो वो मेरी गलती है, अगर मैंने उसको सुधार कर नई गलती करेंगे तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट में आती है। रोज गलती कीजिए लेकिन रोजाना नई गलती कीजिए, रोज गलती कीजिए लेकिन रोजाना नई गलती कीजिए, पुरानी गलती को ना दोहराइएगा। A mistake is only a mistake if you don't learn from it. एक mistake जब तक mistake है जब तक आप उससे नया नहीं सीख लेते, क्योंकि try करेंगे fail होंगे, फिर try कीजिए फिर fail होइए, फिर try कीजिए फिर fail होइए, क्योंकि success का जो रास्ता है वो failure से होकर ही गुजरता है। आज हम और आप light में बैठे हुए हैं, bulb जलाते हैं, अंधेरा होते bulb जला लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की देन, क्योंकि वो अगर फेल नहीं होते अपने 9999 बार, अगर वो फेल नहीं होते 10,000 तक अगर वो नहीं पहुंचते तो वो आज ये बल्ब का इजाद नहीं कर पाते और आज हम और आप इस बल्ब में शायद नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अगर ये सब छोड़ दिया होता कि यार मैं क्यों इस चीज पे पड़ा हूं, मैं फेल हो गया हूं, मैं नहीं करना चाहिए, अगर इस तरीके की सोच होती तो जाहिर सी बात है आज ये इजाद ना होती। तो गलतियों से सीखिए, हर बार एक नई गलती और हर बार कोई नई लेसन, कोई नई लर्निंग, सीखते चलेंगे बढ़ते चलेंगे आगे करते चलेंगे। फ्रेंड्स, जो अभी हमने पीछे सारी चीजें सीखी उनको एक सिनेरियो में हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने लिए ले सकते हैं, जहाँ सेम सिचुएशन है, 2 अलग अलग थिंकर्स की यहाँ पर सोच है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जहाँ एक्सपेंस के बारे में स्मॉल थिंकर सोचता है, खर्च को कटौती करने में बड़ा थिंकर सोचता है, सेल्स को बढ़ाने में ज्यादा अर्न करने में। टॉकिंग स्मॉल थिंकर हमेशा नेगेटिव टॉक्स के बारे में बात करते हैं, बिग थिंकर हमेशा पॉजिटिव टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सक्सेस के केस में स्मॉल थिंकर हमेशा कंडीशंस में बंधे रहना चाहते हैं, लेकिन बिग थिंकर हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। स्मॉल थिंकर्स अपने लिमिटेड दायरे में काम करते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स अपने आप को ब्राइट फ्यूचर के अंदर रखना चाहते हैं। स्मॉल थिंकर से बचाना चाहते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स अपने आप को काम में ढाले रखना चाहते हैं। स्मॉल थिंकर अपने कॉम्पिटिशन को अपने एवरेज में रखना चाहते हैं, लेकिन वही बिग थिंकर्स बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटिशन में जाते हैं, अपने आप के साथ में कॉम्पिटिशन करते हैं। स्मॉल थिंकर मनी को बचा के रखना चाहते हैं, वहीं बिग थिंकर्स अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। सिचुएशन सेम, स्मॉल थिंकर स्मॉल गोल्स बनाते हैं, बिग थिंकर्स बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और उसके लिए एक्शन प्लान करते हैं। स्मॉल थिंकर का विजन लिमिटेड दायरे के अंदर होता है, बिग थिंकर्स का विजन लॉन्ग दायरे के अंदर होता है, वो बड़ा सोचते हैं। स्मॉल थिंकर्स हमेशा सिक्योरिटी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन बड़ा थिंकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। स्मॉल थिंकर अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, छोटे लोगों की कम्युनिटी बना के रखते हैं, अपने आप को सेम कम्युनिटी में बना के रखते हैं, लेकिन बिग थिंकर हमेशा नई नई सोच वाले लोगों के साथ में मिलते हैं। स्मॉल थिंकर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते, बिग थिंकर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अभी तक का जो सेशन था, उस सेशन के अंदर जो जो हमने सीखा, उससे हम अपना क्या क्या निष्कर्ष आज निकालते हैं, इस पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले, अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचिए। डोंट सेल योरसेल्फ इन अ लो प्राइस। अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ में कोई प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू लगाते हैं, वो हमें देखता है कैसे आप हैं, आपका अटायर कैसा है। आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं और आप स्लीपर्स में प्लान देने जा रहे हैं, ट्राउजर्स में प्लान देने जा रहे हैं, वो क्या कहने वाला है? चप्पलों में लाखों का प्लान देने जाएंगे, स्लीपर्स में लाखों का प्लान देने जा रहे हैं? तो डोंट सेल योरसेल्फ इन अ लो प्राइस। अपने आप को कभी सस्ते में ना बेचिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए। सबसे पहली चीज, खर्च करने से हमारा मतलब है अपनी लर्निंग्स को, अपनी इम्प्रूवमेंट्स को अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स के डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपने आप को रोजाना नए से नया बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हम अपना नया वर्जन तैयार नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत पीछे हो रहे हैं। आज कौन पुराने मोबाइल को इस्तेमाल करता है? जैसे ही लेटेस्ट मोबाइल आता है, नया मार्केट में मोबाइल आता है, लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आप आज कोई मोबाइल लेकर आइए और अगले महीने वही मोबाइल आपका पुराना हो जाने वाला है, लेकिन आपके पास एक अपग्रेडेशन फीचर है। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और अपने एक नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आप को नए वर्जन में ढालिए, रोज अपना नया वर्जन तैयार कीजिए, अपने आप को रोज अपग्रेड मारिए, अपनी नॉलेज को, लर्निंग्स को रोज आना अपग्रेड कीजिए। नए नए वीडियोस देखिए, नए नए ट्रेनिंग्स लीजिए, सेशंस लीजिए। सेम सिचुएशन, हम लोग जब ट्रेनिंग्स होती है, दोपहर की 12 बजे की होती है, शाम को 7 बजे की होती है, सुबह 10 बजे सफी सर के माध्यम से हमारा भी ट्रेनिंग सेशन होता है, तो हम सब लोग उसके अंदर अपने आप को डेवलप करते हैं, स्किल्स को अपनी डेवलप करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि हर शख्स कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, बशर्ते कि हम सीखने को तैयार हों। जब हम सीखने को तैयार होंगे तो हर शख्स हमें सिखाने को तैयार है, और सिखाने के लिए भी जब सामने वाला तैयार होगा कि जब हम सीखने के लिए तैयार हैं। यूज पॉजिटिव वर्ड्स इन योर टॉक्स, अपनी बातों के अंदर पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई अपने बारे में बताइएगा, अपनी कामयाबी के बारे में बताइएगा। मैंने ठीक है यार, समय कट रहा है,
याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कटने वालों के साथ में कभी बात नहीं करते कुछ लोग जो सक्सेसफुल होते हैं या जो सक्सेसफुल थिंकिंग थिंकर होते हैं, वो कटने वालों के साथ में बात नहीं कर सकते। बोले यार ये तो खुद ही अपने बिजनेस को लेकर पॉजिटिव नहीं है तो ये मुझे कैसे सक्सेस करेगा। तो इसलिए जब हम किसी के साथ में मिले तो एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, एक होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए हमारी बातों के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज सेल आउट करने से पहले आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है सामने वाले के अंदर। जब आपकी एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होने वाली है तो वही एनर्जी उसको एक्साइटेड करेगी, वो आपसे इंस्पायर होने वाला है। हम ही ऐसे पहुंच जाए उसके पास, अरे यार ठीक है कर लीजिए, प्लान ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिए फ्रेंड्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा अटायर, हमारी पहचान होना चाहिए। वी ऑल आर इन अ कम्युनिटी ऑफ चांस। जब हम इस चांस कम्युनिटी के अंदर हैं तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह हैं। हम एक विजन के साथ में सामने वाले के साथ पहुंचे कि देखिए ये हमारे पास टारगेट है, हमारा ये गोल है, हम चाहते हैं कि आप भी इस गोल का पार्ट बनिए और हमारे पास ये एक्शन प्लान है, हम इस एक्शन प्लान के तहत आपके साथ हैं। एक विजनरी लीडरशिप के साथ में काम कीजिए, अपने आप को और अपने प्रोस्पेक्ट को दोनों को सेम विजन में लाइए। अपने आंखों से जो सपना आपने देखा है उस सपने को अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कीजिए, उसको बताइए कि देखिए मेरा ये सपना है, मैं यहां तक जाना चाहता हूं और ये सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये जो बिजनेस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम और आप मिलकर इसमें कामयाबी हासिल करें। वहीं अगर आपसे कोई बड़ा पार्टिसिपेंट है, यानी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे हो सकता है उम्र में बड़ा हो, आपसे ओहदे में बड़ा हो, तो आप उससे राय के माध्यम से काम कर सकते हैं, आप उससे सलाह के माध्यम से काम कर सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में हर कोई सलाह देने के लिए तैयार है, फ्री में देने को तैयार है, क्योंकि कुछ लोगों के ईगो पे ये वाली बात आ जाती है कि अगर कोई आपसे उम्र में दराज है और आप अगर उम्र में उससे कम हैं और अगर आप उससे को बताते हैं कि सर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें आप इस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं या इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने ईगो पे उसको बात को ले जाए। तो वहां पर आप सिचुएशन को समझते हुए कह सकते हैं कि सर आपका तजुर्बा मेरे से ज्यादा है, आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो दुनिया देखने का नजरिया है वो मेरे से ज्यादा है, मैं इस कंडीशन में हूं, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, क्या आप मुझे इसमें गाइड कर सकते हैं। यहां पे आप उसे सलाह मांग रहे हैं, यहां पे आप सामने वाले से सलाह मांग रहे हैं, बेसिकली आप ज्वाइन करवा रहे हैं सामने वाले को, लेकिन यहां पर आपका तरीका बदल गया है। तो सिचुएशंस बहुत सारी हैं, ये चीजें ट्रेनिंग्स के माध्यम से क्लियर होती हैं, नए नए टिप्स देखिएगा, वीडियोस देखिएगा, उसमें क्लियर होंगी। थिंक अबाउट नेक्स्ट स्टेप, हमेशा अगले कदम के बारे में सोचिए, चरणों के बारे में सोचिए, क्योंकि जो बीत गया वो कल था, जो बीत गया सो कल था, उस कल से सिर्फ एक सबक ले सकते हैं आप, उससे सबक लीजिए और अपने भविष्य को प्लान कीजिए, अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए। जब उस भविष्य को प्लान करेंगे, अपने फ्यूचर से सबक लेंगे, तो एक नई ऊर्जा आपका स्वागत कर रही होगी, एक नई एनर्जी आपका स्वागत कर रही होगी। साथियों, ऑन ऑल स्मॉल थिंकिंग्स, छोटी छोटी दायरों से ऊपर उठिए, इन सबसे अपने आप को बढ़ाइए, इन सबसे आगे ऊपर उठकर अपनी सोच को बड़ा बनाने के दायरे को जब हम अचीव कर लेंगे तो ये हम अपने जिंदगी में अपने बिजनेस के लिए अपना पहला पड़ाव हम लोग पार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर अभी समाप्त करते हैं और होप सो आप लोगों को इसमें जो है समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, काफी चीजें जो है यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। वैसे मेरा कोई अभी ऐसा लेवल नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, क्योंकि मेरे से बहुत दिग्गज लोग यहाँ पर हैं जो इस
सेमिनार में है, इस सेशन में है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हालांकि मेरे गुरु लोग इसमें शामिल हैं, बैठे हुए हैं मेरे साथ और उनका आशीर्वाद यहाँ पर है। मैं उनके सामने कहीं नहीं हूँ, बस उन सबसे सीखता हूँ और बहुत सब लोगों से जो सीख कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब हम उन चीज़ों से आगे बढ़ते हुए अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को आगे ले जाते हैं तो साथ ही जाहिर सी बात है हम आगे कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। तो बस इन थोड़ी छोटी चीज़ों के साथ हम अपने इन चीज़ों को बढ़ाएंगे आगे। और बस मैं इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कैसा लगा आप लोग हमें सेशन में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका मैसेज है, तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे समय दिया। मैं वापस माइक हैंड ओवर करूंगा सफी सर का, हमारे ग्रेट लीडर, और उनसे चाहूंगा कि वो हमें यहाँ पर कुछ मूल मंत्र दें, कुछ गुरु मंत्र दें। और जैसा कि हमने और जो है अभी कल हमारे सफी सर ने यहाँ पर कुछ शेयरिंग की थी, जिसमें मैं सर से चाहूंगा कि वो उस प्लान को जो है उस शेयरिंग को यहाँ पर लोगों के सामने शेयर करें, हमारे लोगों को बताएं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ सर के साथ सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सर कि आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच। सर माइक ओपन कर दो, मेरा माइक दूसरा वाला लैपटॉप वाला। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका मोहसिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त तालियां मोहसिन जी के लिए बजा सकते हैं आप सभी लीडर्स यहां पर जो है। थैंक यू सर। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहती है और बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 157 लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम 7 बजे की जूम मीटिंग में आने का। हमारे गुरु, हमारे मेंटर पांडे जी, जिन्होंने इतना अच्छा ये हमें जूम सेशन दे दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सेशन को कर पा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा हमने अभी नया एक सिस्टम बनाया है और हम आप सभी लीडर से अनुमति भी लेना चाहते हैं कि हमारे जो दिमाग में अभी परसों से जो चीज़ आई है और उससे पर हम काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उसको डिज़ाइन किया है कि हम कैसे अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और हम कैसे अपने जो है सेल को बढ़ाएं। हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है, अभी उसको कलर भरेंगे, उसमें थोड़ा डिजाइन करेंगे उसमें बढ़िया तरीके से। और हमारा जो प्लान है बहुत सारी इनकम देने वाला प्लान है, एकदम से हर आदमी के समझ में नहीं आता, तो हम उस प्लान पर काम कर सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से वो हर आदमी की समझ में आ जाए। तो मैं कुछ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको जो है, वैसे तो मैंने हाथ से बनाया अभी जो है, और आप सबकी अनुमति रहेगी और सभी लोग उस पर यस करेंगे तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है डिजाइन करूंगा। और कोई इतना इजी हमने एक सिस्टम बनाया है इतना इजी तरीके से कि हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम उसमें हम लोगों को करा सकते हैं और कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन शेयर देख रहे हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी जो है, ये हमने एक प्लान तैयार किया है कंपनी के आधार पर, कंपनी के उस पर। हम पहले यूनी लेवल पर काम कर रहे थे, यूनी लेवल इनकम पर काम कर रहे थे और यूनी लेवल इनकम पर काम करने के लिए हर आदमी को प्लेटिनम करना होता है, उसको 10 लेवल तक इनकम लेनी होती है तो प्लेटिनम करना होता है। पांडे सर जी भी हमारे साथ हैं, वो हमारे को कुछ माइक को ऑन करके कुछ बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बनाया रिटेल सेल्स का। रिटेल सेल हमें चाइना में बताया गया था कि जो पहले जो प्लान थे हमारे जो है जो जनरेशन प्लान थे, ये हमें पढ़ाया गया था चाइना में, 8 दिन की हमारी लगातार ट्रेनिंग थी कमांडो की तरह। तो यहाँ वहाँ पर ये पढ़ाया गया था हमें कि जब पहले आज से बहुत साल पहले जब
प्लान तैयार हुआ था तो जनरेशन प्लान होता था, लेकिन जनरेशन प्लान में एक खूबी थी बहुत बड़ी और एक कमी थी, ये उसमें थी। हमें पढ़ाया गया था, हम करीब करीब 106 लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, जो हमारा 8 दिन का सेशन रहा था लगातार कंपनी के हेडक्वार्टर में। तो जनरेशन प्लान में एक खूबी बहुत बड़ी थी और एक कमी थी, वो बताई गई थी कि अगर जनरेशन प्लान करते हैं कोई व्यक्ति तो उसमें एक खूबी सबसे बड़ी ये होती है कि आपका जो इनकम बन जाती है 1-2 लाख रुपए की, तो वो एक इनकम आपको लगातार आती है। अगर 1 लाख का पेआउट एक बार आ गया आपको तो 90,000 हो सकता है, 95 हो सकता है, लेकिन 50 और 40 और 20 नहीं हो सकता। उसके अंदर ये खूबी थी। एक कमी क्या आती है उसके अंदर, एक कमी ये थी कि उसमें तेजी से ग्रोथ नहीं होती थी, हमारे लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर तेजी से नहीं बढ़ते थे, नेटवर्क हमारा तेजी से नहीं बढ़ता था, उसमें ये कमी बताई गई थी। दूसरा क्या था कि जो बाइनरी प्लान फिर बाद में आए थे, बाइनरी प्लान में क्या था कि तेजी से ग्रुप बढ़ जाता था, तेजी से ग्रुप बढ़ जाता था, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। उसमें ज्वाइनिंग तो पैसा पैसा पैसा, और ज्वाइनिंग हमने बंद किया, आउटगोइंग बंद तो इनकमिंग बंद तो आउटगोइंग बंद। तो यहाँ पर यह बताया गया था कि कुछ लोग बाइनरी में काम करना चाहते थे, कुछ लोग जनरेशन में काम करना चाहते थे, और फिर एक होती थी मैट्रिक्स जहाँ पर सिंगल लेग से इनकम आती थी, कुछ लोग मैट्रिक्स करना चाहते थे। तो हमारी कंपनी ने तीनों को जो है वो मर्ज कर दिया और हाइब्रिड प्लान बना दिया कि कोई भी लीडर्स, कैसा भी लीडर्स, आप इस प्लान पर काम कर सकता है जहाँ पर सारी इनकम आपको आएंगी। ये हमें पढ़ाया गया था वहाँ पर जो है, और ये हमारा पूरा वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था पूरी तरीके से, हम उसमें हमारा नंबर बनाया था उसमें भी जो इंटरव्यू में, हम 10-10 लोगों का ग्रुप था। तो ये जो प्लान मैंने बनाया है, रिटेल का प्लान बनाया है कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, आज आप देखें इंडिया में कि छोटी छोटी कंपनियां जिनके कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, कोई आरएलडी नहीं है, और वो नेटवर्किंग के नाम पर और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, अपना बड़ा बड़ा पेआउट उठा रहे हैं, 5 लाख का 2 लाख का 4 लाख का बड़ा बड़ा पेआउट उठा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि प्लान आपका इतना ईजी होना चाहिए कि हर आदमी की समझ में आ जाए। तो हमने 2 प्रोडक्ट को चूज किया है, एक प्रोडक्ट हमारा है नैपकिन पैड और दूसरा हमारा पेस्ट, टूथपेस्ट। 2 प्रोडक्ट पर ही काम किया जाए खाली, ओनली भाली बस, पहले हम 2 प्रोडक्ट पर काम करते हैं। और हम कितने, मैं आपसे सभी से यहाँ पर अभी लीडर्स हमारे साथ हैं, हमारे साथ 144 लीडर हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने पैड हम डेली बेचें और आसानी से बेच सकते हैं, और कितने पेस्ट हम आसानी से बेच सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं आप जो लिख करके जो है, मतलब कम से कम डेली, चाहे हम गोल्ड लोन हैं, चाहे हम एट स्टार हैं, चाहे हम सेवन स्टार, हर आदमी कम से कम कितने कितने पेड़ और कितने कितने जो है वो पेस्ट बेच सकता है एक आदमी एक दिन में, कम से कम। जूलियस सिन्हा जी 5 लिख रही है, गुलवेज जी ने लिखा 2-2 बेच सकते हैं। सेल तो हमें करना पड़ेगा, सेल करेंगे तभी क्वालिटी पता लगेगी लोगों को, तभी कुछ पता लगेगा, तभी हमारा नेटवर्क बढ़ेगा और लोग सब ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। मोहसिन जी ने लिखा है कम से कम एक पेस्ट हर आदमी बेच सकता है, चाहे वो DM हो, चाहे वो SP हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पर भी जाकर के पेश भेज सकता है और ये कह सकता है कि हम कैंसर अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं कि लोगों के घरों में कैंसर की बीमारी ना जाए। बहुत सारी बीमारियां पेस्ट की वजह से आ रही हैं और बहुत सारी बीमारियां नैपकिन पैड की वजह से आ रही हैं लेडीज को जो है, तो इन बीमारियों पर हम काम कर सकते हैं। और मैं सिर्फ दिन भर में, ये मेरा एक महान काम है, एक अच्छा काम मेरे को मिला है कि अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक ऐसा काम कर जाऊं जिससे लोग मुझे याद करें। तो मैं सिर्फ एक पैड भेजता हूं, सिर्फ एक पैड। अगर आप अपनी बीमारी से, अपनी बीमारियां घर से बाहर ले जाना चाहते हैं तो मेरी बात को सुन सकते हैं और ये एक पैड और एक पेस्ट आप ले सकते हैं मेरे से जो है। MRP पर भी आपको देना है और MRP पर आपको एक पेस्ट और एक पैड ही बेचना है, ज़्यादा नहीं बेचना आपको पूरे दिन में खाली जो है। तो मैंने इस पर ये प्लान तैयार किया है, तो इससे क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा कि इसको एक ही बेचना पूरे दिन में, और ये क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा चीज़ देना चाहते हैं ये। और वो भी चीज़ क्या है कि अभी मून सर का प्रोग्राम हुआ था बहुत जबरदस्त, जो है हमारे आशुतोष जी का, पेस्ट के बारे में इतनी जबरदस्त नॉलेज मिली थी, और इस नॉलेज को लेने के बाद वो आप वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोहसिन सर की भी वीडियो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल पर TN सफी मोहम्मद पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो वीडियो और एक नैपकिन पैड की वीडियो, वो आप दोनों वीडियो आपको उस बंदे को देनी है, चाहे आपको आधा घंटे लगे चाहे घंटे लगे, उस बंदे को डेली आपको देनी है, ना आपको प्लान दिखाना है ना कुछ दिखाना है, बस प्रोडक्ट देना है उसको। ये कहना है कि अगर पसंद नहीं आए तो वापस, लेकिन ये 2 वीडियो देखने के बाद आपको यूज करना है, इन 2 वीडियो देखने के बाद। मेरा मानना यह है कि आप इतना कॉन्फिडेंस से काम करेंगे तो एक भी पैड और एक भी पेस्ट आपके पास वापस आने वाला नहीं है किसी कीमत पर। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ आप बता सकते हैं मैसेज में, क्या मैं सही कह पा रहा हूँ?
एक भी पीस आपका पेस्ट का नहीं आएगा, एक भी पीस आपका नैपकिन पैड का नहीं आएगा, अगर आप उस व्यक्ति ने दोनों वीडियो ध्यान से देख ली तो, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन किया है कि अगर आप यहाँ पर हैं, यू मैंने किया है, यू यहाँ पर हैं, एक नैपकिन पैड का हमारा डीपी होता है 137 रुपये और बीबी होता है 80.52 और एक पेस्ट का होता है 149.149 डीपी होता है और हमारा जो है 75.24 रुपये हमारा बीबी होता है जिससे हमें पैसा आता है बीबी से जो है। तो यहाँ पर यह दिया हमने 30 पैड और 30 पेस्ट हम बेचते हैं तो हमारी सेल होती है डीपी की 8,580 रुपये, ये हमारी सेल होती है जिससे हमारे रैंक हमारे अपग्रेड होते हैं। अगर हमने एक महीने में 30 पेस्ट बेचे और 30 डे पैड हमने बेचे तो हमारा टर्नओवर हुआ 8,580 रुपये का और हम पहले महीने में कौन से लेवल पर होते हैं आप लिख सकते हैं 8,580 रुपये में हम कौन से लेवल पर होते हैं और हमारा बीबी होता है 4,672 रुपये, इसका हमें कोई भी पैसा आने वाला नहीं है पहले महीने में। हमारा डीपी एमआरपी का जो डिफरेंस है 20 पैड वो हमें मिल जाएगा, बाकी हमें पहले महीने में हमारे को 30 दिन काम करने पर एक डे पैड बेचने पर कोई भी इनकम आने वाली नहीं है, हम स्टार हो जाते 3। अब हमने 30 पैड को हमने बेचा, 30 पेस्ट को बेचा, उन 30 लोगों में से आपको 4 लोग मिल जाएंगे, आपको लोग ढूंढने जाना नहीं है, वो यूजर होंगे, वो प्रोडक्ट यूज कर चुके होंगे और उन 30 में से आपको 4 लोग मिल जाएंगे। सर मैं भी ये काम करूंगा, एक पेस्ट और एक पैड तो मैं भी बेच सकता हूँ डेली, हर आदमी तैयार हो जाएगा, आप एक बार करें। और ये चालू हो गया हमारे टीम में, सेशन हमारे टीम में चालू हो गया, बहुत सारी जगह चालू हो गया है, जिन जिन लोगों ने ये मेरी मीटिंग देखी है उसमें सब में चालू हो गया है। तो उन 4 लोगों को आपने 30 पेस्ट दिए, उन्होंने लिए 8,580, तो 4 लोगों ने ये अगले महीने काम किया तो आपका टर्नओवर हुआ 42,900 रुपये और 42,900 का बीवी हुआ 23,360 रुपये, तो आप हो गए 4 स्टार। 4 स्टार होने पर 10% आपके अकाउंट में आएगा तो 2,336 रुपये अगले महीने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जब ये 30 लोगों के साथ वो पेस्ट और पैड देकर के आते हैं तो इनको 4-4 लोग ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और वो पूरी तरह के यूजर होंगे और वो 4-4 लोगों को लेकर के आएंगे तो आपका टर्नओवर हो जाएगा यहाँ पर जो है, आपका टर्नओवर हो जाएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,71,600 रुपये का ये आपका डीपी है और इसका बीबी बैठेगा 93,522 रुपये। तो नेक्स्ट मंथ आपको पैड हो जाएगा 4,626 रुपये का और आपने जो अपना पर्सनल काम किया 4,672 बीबी का उसमें 15% आपको आया क्योंकि आप जो है 5 स्टार हो चुके हैं, 5 स्टार 15% आपको बोला 700 रुपये आपको वो आएंगे, आपका पे आउट आएगा 5,376 रुपये का, 5,376 रुपये दूसरे महीने आपको पे आउट आ जाएगा कंपनी की तरफ से। अब तीसरे महीने वो 30 लोगों उसको उन 4-4 लोग मिल चुके होंगे और वो भी एक समाज सेवा काम करेंगे, कैंसर अवेयरनेस पर काम करेंगे। तो अगले महीने जो है तीसरे मंथ में आप लगाएंगे, चौथे मंथ में तीसरा पे आउट, तो यहाँ पर बिजनेस होगा आपका 3,92,792 रुपये का और बीबी होगा आपका जो है वो आपका बीबी बैठेगा 3,92,792 रुपये का, आपको टोटल बिजनेस होगा 7,20,720 रुपये का। तो आप 6 स्टार हो चुके होंगे और 5% डिफरेंस कमीशन यहाँ पर मिलता है तो 19,639 रुपये आपको आएंगे और आप जो काम कर रहे हो 4,672 बीबी का उसका 6 आपको 20% मिलेगा तो 934 रुपये आपको वो आएंगे, तो 20,573 रुपये का आपको पे आउट बनता है तीसरा पे आउट जो चौथा महीना मानते हैं उसको जो है। और फिर नेक्स्ट महीने में जब 4-4 लोगों काम करेंगे ऑटोमेटिकली, एक पेस्ट और एक पैड बेचने काम करेंगे तो उनका टर्नओवर हो जाएगा टोटल जो है 29,17,200 रुपये का, इसका बीबी बनेगा 15,898,874 रुपये और 5% से आपको पे आउट बनेगा 79,493 रुपये और 4,672 जो बीबी का आप काम कर रहे हो अपना पर्सनल उसका आपको 25% आया क्योंकि आप 7 स्टार हो चुके हैं, ये 1,168 रुपये होगा, आपको इनकम आएगी 80,761 रुपये, आपको चौथा जो प्याउट बनेगा 80,761 रुपये का और आप हो चुके हैं यहाँ पर 7 स्टार। नेक्स्ट मंथ में उनको भी 4-4 लोग मिल चुके होंगे उन 30 लोगों में से और वो यूजर होंगे और ये आपका पर मंथ ऐसे सर्कल चलेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर पाँचवें महीने में जो 6ठा महीना आपको होगा 5वां पेआउट जो होगा यहाँ पर आपका टर्नओवर हो जाएगा 1,17,00,000 का और इसका बीबी बनेगा 63,78,000 और यहाँ पर 8 स्टार आप हो चुके, यहाँ पर पेआउट आएगा 5,10,256 रुपये का और आपकी अपनी मेहनत जो महीने भर करते हो उसका बीबी का आपको पेमेंट मिलेगा 1,541 रुपये और आपकी इनकम आएगी 5,11,797 रुपये।
जो सिक्स मंथ का आपको आएगा पे आउट, पांचवा पे आउट। इसके बाद अगर इसी तरीके से डुप्लीकेशन आपने किया, अपना खुद काम किया, हमने काम किया, सबने एक फील्ड में जाकर काम किया, माहौल क्रिएट होगा और एक ऐतिहासिक एक लेवल मिलेंगे लोगों को बहुत तेजी से, जो काम करेंगे उनको मिलेंगे। और नेक्स्ट मंथ में जब 30-30 लोगों पे काम होगा, चार चार लोग उनको जुड़ेंगे, तो यहाँ पर टर्नओवर होगा टोटल जो है 46, यहाँ पर टर्नओवर होगा 4,68,46,740 रुपए का, बीबी होगा 2,55,31,473 रुपए का। और यहाँ पर हो चुके होंगे आप गोल्ड लोन और आपको डिफरेंस कमीशन मिलेगा 7%, जिसका इनकम होगा 17,87,203 रुपए। और आप पहले हिंदुस्तान के, पहले दुनिया के ऐसे गोल्ड लोन होंगे जो डायरेक्ट रजिस्ट्रार से डायरेक्ट गोल्ड लोन गए होंगे। और यहाँ पर आपको आप होंगे 40% पर और आपको 1,868 रुपए आपके काम का मिलेगा। आपको अपना काम नहीं छोड़ना, यहाँ पर आपकी इनकम होगी 17,89,071 रुपए, आपका जो छठवां पे आउट होगा 7 महीने का। इसके बाद नेक्स्ट में आप क्या होगा, आप हो जाएंगे डायरेक्टर जो कि 41.5% पर होते हैं। आपको टर्नओवर होगा 21,44,00,000 रुपए का, आपको इनकम आएगी 15,32,168 रुपए जो कि 1.5% आपको मिलेगा। और आपका 40% नीचे बैठेगा, 1.5% आपको मिलेगा। और आपके अपनी जो महीने की कमाई है वो आएगी 1,915 रुपए, आपको इनकम आई कंपनी से 15,34,083 रुपए। नेक्स्ट मंथ में उनको चार चार लोग मिलेंगे तो आप हो चुके होंगे HD और यहाँ पर टर्नओवर होगा आपका जो है वो होगा आपका 18,74,21,220 रुपए का। और बीबी होगा आपका जो है 74,97,19,140 रुपए का। और आपको इनकम आएगी यहाँ पर 37,48,595 रुपए की। और आपको अपनी जो 42% मिलेगा आपको अपने बीबी का 1,962 रुपए, आपको एक महीने की इनकम बैठेगी 37,50,557 रुपए। तो यहाँ पर टोटल इनकम 9 महीने के अंदर, टोटल 9 महीने में 8 पे आउट बने और 8 पे आउट की टोटल इनकम होगी आपकी 76,94,554 रुपए। ओनली पेस्ट और पेड पर काम करने पर, टोटल ओनली। हर आदमी को सिर्फ एक ही काम करना है, ना प्लान दिखाना है ना कुछ करना है। अगर उसको काम करना होगा, पैसे आएंगे तो अपने आप गोल्ड करेगा, अपने आप प्लेटिनम करेगा और वो अपना 8,580 इकट्ठा कर करके भी वो अपना गोल्ड कर सकता है, इस तरीके से भी गोल्ड कर सकता है। तो कैसा लगा आपको प्लान, ऐसा इस तरीके से भी काम कर सकते हो और इस तरीके से अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आसान समझ में आना चाहिए लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये बहुत आसान है, इसको मैं कर सकता हूँ, ये बहुत आसान है, इसको मैं कर सकता हूँ, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। और हमारी टीम में ये काम शुरू हो चुका है पूरा, लोग पेस्ट और पैड ले जा करके पूरी तरीके से घर घर जा करके देंगे उसको जो है, सिर्फ एक ही बेचना है, दूसरा बेच रहे नहीं है, उसको एक ही लेके जाना है आपको बैग में खाली, ओनली आपको मैसेज देना है कि बहुत आसान है ये, इजी, आप इसे कर सकते हैं। सिर्फ पूरे दिन में एक पेस्ट एक पैड बेचना है हर आदमी को, ना कोई प्लान दिखाना है, ना कोई डेमो दिखाना है, ओनली वीडियो डाउनलोड करनी है, ये वीडियो देख करके आपको यूज करना है। अगर पसंद नहीं आया तो 10 रुपये और ज्यादा मेरे से ले लेना आप जो है, एक भी वापस आने वाला नहीं है। जितने भी लोग गुजरात में काम कर रहे हैं पैड पर या जहां पर भी काम कर रहे हैं पैड पर, उनका एक पैड भी वापस नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने लंदन के टूर किए इसी पैड से, बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे टूर से इससे किए, बहुत सारे लेवल अच्छी किए। अभी परसों ही 26 तारीख को गुजरात से हैं, उन्होंने डायरेक्ट गोल्ड लोन किया है। जब वो लंदन में थी तो उन्होंने ब्रॉन्ज था, 8 स्टार ब्रॉन्ज, फिर आज सीधे गोल्ड हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, छोटा सा आप पैड और पेस्ट लेकर के बहुत तेज, हमारे घुसने वाले प्रोडक्ट हैं घर में जो है। और जब ये चीज जाएंगी तो ऑटोमेटिक BCM जाएगी, ऑटोमेटिक सप्लीमेंट जाएगी और ये एक ऐसा आपका इनकम होगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। आपका पैड एक बार 10 लाख का बन गया तो 8 लाख का नहीं हो सकता किसी कीमत पर, वो 11 लाख का तो हो सकता है लेकिन 8 लाख का नहीं हो सकता, आप काम करें या ना करें। एक आपको पेसिव इनकम जो आएगी वो यहीं से आएगी, रिटेल सेल से आएगी। तो रिटेल पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे बीच में हमारे गुरुजी मेंटर हमारे पांडे सर जी भी हैं और कुछ बता सकते हैं सर, हमारे दिशा निर्देश दे सकते हैं हम लोगों को। सर माइक अपना अनम्यूट कीजिए अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो। बहुत जबरदस्त प्लानिंग सफी भाई, मजा आ गया भाई, ये तो जबरदस्त तरीका है और वेरी इजी और वेरी सिंपल जी। और ये 100% अचीवेबल है, जिस दिन जिसको छुट्टी करनी है एक दिन पहले एक का दो बेच ले, काम खत्म। बिल्कुल। रियल में सर यही डायरेक्ट सेलिंग है, यही नेटवर्क मार्केटिंग है कि कम से कम एफर्ट में बड़े से बड़ा रिजल्ट आए। और उसका केवल एक ही तरीका है, जब आपके पास नंबर ऑफ लोग और काम करने वाले लोग होंगे। यहाँ तो लोग ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं पैसा नहीं आया, पैसे के लिए काम कुछ किया ही नहीं,
तो ये एक बहुत सिंपल सरल तरीका सफी भाई ने बनाया है और मैं पूरी टीम से कहूंगा इसके ऊपर काम करें। ये सर कार्टून के कार्टून जा रहे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं सर, कार्टून के कार्टून यहाँ से जा रहे हैं पूरी तरीके से लोगों ने अपना कमीशन बना लिया है। और हमारे साथ में यादव जी हैं और केपी यादव जी हैं और दिल्ली सरकार जबरदस्त नहीं यादव जी हमारे ग्रेट लीडर हैं। हाँ, हमारे भारत सरकार में इस मिशन पे काम करना बहुत आसान होगा। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जी, जितना अभी जिस लीडर का भी टर्नओवर है, जैसे सफी भाई का टर्नओवर 20 लाख है तो आप 20 लाख का केवल पेस्ट बेच सकते हैं। बिल्कुल सर। मैंने अपना टारगेट, जैसे मेरा 2 करोड़ का बिजनेस है तो मैंने 2 करोड़ का केवल पेस्ट बेचना है, अभी ये टारगेट रखना है। बिल्कुल सर। तो इस तरह से सभी लीडर्स के लिए बहुत इजी होंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है और इसके ऊपर हम लोगों के स्वास्थ्य को भी लेंगे कि हम आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसके लिए ये बताना है। और सफी भाई एक चीज इसमें और है जी सर, ये रीपर्चेज आएगा तो वही कस्टमर ऑटोमेटिक रीपर्चेज भी करेगा, ये बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा। आपने जो मल्टीप्लिकेशन बताया है रीपर्चेज पे बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा सर। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इसके ऊपर हम सभी को एक्टिव करते हैं, ये न्यू स्ट्रेटजी है। और बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, सफी भाई हमारे बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते करते रहते हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हमेशा रियल में हार्डकोर लीडरशिप सफी भाई कर रहे हैं सबसे नंबर वन की। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं, जल्दी जल्दी सफी भाई डायरेक्टर जाएं, इनकी पूरी टीम गोल्ड लाइन डायरेक्टर जाए। विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे यादव जी हैं हमारे साथ में जो है, जो कि भारत सरकार में दिल्ली सरकार में बड़े पद पर हैं यहाँ पर जो है, और पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा आता है इनको जो है सर्विस में। लेकिन इन्होंने एक मिशन बनाया है कि मैं कैसे कैंसर अवेयरनेस पर काम कर सकूं, और बहुत अच्छे तरीके से 200 गज की कोठी है उसमें इन्होंने एक सेंटर बना रखा है, एक ऑफिस बना रखा है बढ़िया तरीके से। और पैसे की इनको कोई चाहत नहीं, इनको एक दुआएं मिलती है, बहुत सारे पेशेंटों को उन्होंने ठीक किया है। लेकिन आज ये मिशन में घर घर जा करके अपना समय निकाल करके यहाँ पर काम कर पा रहे हैं और कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकें, अपने हिंदुस्तान को स्वस्थ रख सकें, और कैसे लोगों को इनकम आएगा। अब इनकम आएगी ऑटोमेटिक सर, तो बीसीएम भी लेगा वो आदमी, एक्वलाइफ भी लेगा, हेड केयर भी लेगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक कर लेगा, अपना प्लेटिन भी सब कुछ कर लेगा अपने आप ही जो है। इतना छोटा सा काम करके आदमी जो है, इतना छोटा सा काम करके हर आदमी, लेकिन हम सबको उतरना है, चाहे कोई भी लीडर है, चाहे मैं गोल्ड लॉयन हूँ, चाहे कोई कैसा भी लीडर, हर आदमी को एक पेस्ट एक पैड जरूर बेचना, मिशन बनाना है। और अपना एक टी शर्ट वगैरह इस तरीके बना सकते हैं, मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगा सकते हैं, इस तरीके माहौल क्रिएट करना है पूरे इंडिया के अंदर कि हमारे पास जो है वो किसी के पास भी नहीं है। आज ट्रेनिंग्स में पता लग रहा है, पूनम सिंह की ट्रेनिंग हो रही है, डॉक्टर अनुराग जी की इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हो रही है, डॉक्टर फरीदा जी की इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हो रही है, वहां से हमें एजुकेशन मिल रही है। और ये पता लग रहा है कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास हैं और हम काम नहीं कर पा रहे, तो क्या रीजन है? क्योंकि नॉलेज की कमी थी। आज नॉलेज सारे लीडर्स को मिल रही है और सभी लोग नॉलेज देकर के काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह उनको वीडियो दिखा सकते हैं। और बहुत ही इजी काम है, हर आदमी के पास मोबाइल होता है, आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, वो देख करके उसको यूज करेगा, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा उसको जो है, कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारी आरएलडी पूरे वर्ल्ड में नंबर वन है। और ऐसे प्रोडक्ट बनाना असंभव बात है और लोगों के लिए, क्योंकि आज जितनी भी हमें एजुकेशन मिल रही है, चाहे डॉक्टर अनुराग जी हों, चाहे फरीदा जी हों, चाहे जो है जितने भी हमारे आशुतोष जी ने इतना पेस्ट का इतना जबरदस्त यहाँ पर दिया, और वो वीडियो बनी उसकी जो है, सबसे बड़ी बात वीडियो बनी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को सेशन दिया गया था एनएसपी में, बहुत जबरदस्त सेशन था और उसमें बहुत नॉलेज मिली कि हम लोग भूल जाते हैं, और वीडियो हमारे पास मिल गई तो हम उस वीडियो को लेकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वीडियो दिखा सकते हैं आप, यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी मोहसिन सर ने यहाँ पर लिंक डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप जो है, छोटी वीडियो बनाई है द्वारा मोहसिन सर ने डाल दिया लिंक यहाँ पर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जितने भी हमारे लीडर्स हैं उसको दिखा सकते हैं, और सिर्फ एक पेस्ट और एक पैड पर काम कर, दूसरा बेचना ही नहीं है। लेकिन मिशन के साथ हर आदमी को करना है, ईगो नहीं लाना कि मैं 7 स्टार हो गया, मैं 8 स्टार हो गया, मैं नहीं करूंगा, मैं ब्रॉन्ज हो गया, मैं सिल्वर, हर आदमी को, चाहे वो किसी भी लेवल पर है, अपना काम स्वयं करना है हर आदमी को, अपना काम इतना तो करना ही करना है कि हमें ये सेल करना है किसी भी कीमत पर, कोई बड़ा काम नहीं करना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, 8:25 का समय हो चुका है। अब हम पांडे सर जी को होस्ट हो जाए तो मेरे को होस्ट कर दो इस वाले पे, को होस्ट बना दो मेरी आईडी को दूसरी वाली को। तो अगर किसी के कोई सजेशन हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि सारे लीडर्स हैं यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर अभी हैंड रेस किया हुआ है, मैं दूसरे वाले मोबाइल से खोल देता हूँ यहाँ पर, ओप्पो F17
गुलवेज आलम जी हैं, गुलवेज आलम जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, जो है वो अनम्यूट है। गुलवेज आलम जी अपना अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुलवे जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुलवेज आलम जी, माइक आपका ऑन है, आवाज नहीं आ रही शायद। हमारे ओप्पो F17 यहाँ पर हमारे KP यादव जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ट्रांस लीडर्स। मैं आपको सभी को ये इस चीज को बताना चाहता हूँ कि आज मैंने ये प्लान खुद यहाँ पे SFP सर के पास बैठ के देख रहा हूँ। जब मैंने आंखों के सामने इस प्लान को देखा है ना, तो खुद ही मैंने महसूस किया कि इसके हम बहुत कुछ, जो है ना अभी जो सर बता रहे थे, उससे हम बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। इसी को देखते हुए मैंने स्वयं अभी एक जहाँ से पूरा कार्टून लिया है और कल की मिशन में मैंने उनको पूरा कहा कि पूरा का पूरा ये कल का कल ही मैं इसे खत्म करूंगा और इसको घर घर तक जब हम इनको खत्म करेंगे तो सबको पता चलेगा। और इसकी जो चीज जो हमें बहुत बढ़िया तरह से समझाई गई है कि उस चीज को हम अपना रखेंगे और इस भारत को कैंसर मुक्त करेंगे और इस टाइम्स को जो है ना आगे से बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको जो है हम लोगों के बीच में ले जाएंगे, समझाएंगे उनको कि इससे हम सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जो एलोपैथिक से जो बीमार हो रहे हैं, जो खा रहे हैं इनको दवाइयों को, और इनसे जो बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, हर एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, उस सब से जो है ना बचाया जा सके और इस टाइम्स को जो है ना हम इससे सभी को हेल्थी वेल्थी और सभी को हम बना सके, ऐसा हमारा एक मिशन है जो मैंने अभी यहाँ पे आगे देखा है, पूरी उसको सुना है अपनी आंखों से। जो सेफी सर ने जो प्लान बनाया है, एक जीरो से लेके एक बिल्कुल फ्री जो है ना उसमें ज्वाइनिंग से लेके और ST तक का प्लान जो बताया कि इतनी इनकम इसमें आ सकती है कि एकमात्र पैड और एकमात्र जो है ना और एक एयर टूथपेस्ट से। तो आप इसके टाइम्स के तो बहुत अच्छे हमारे ऑपरेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम जो सभी लोगों को हम कहां से कहां पहुंचा सकते हैं और इस हर आदमी को बीमार से भी हेल्थी बना सकते हैं और जो गरीब से गरीब को हम वेल्थी भी बना सकते हैं। कि ऐसा एक मिशन है जो हमारा पांडे सर ने जो है ना एक रखा हुआ है। मैं आप मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो ना ईगो था और मैं आपको एक बताना चाहूंगा इस चीज को कि जब मैं शैलेंद्र सोगी सर ने अपना हमारा एटा में एक प्रोग्राम रखा था और मैं वहां पांडे सर के साथ ही था और उन्होंने जब वो शेर बने थे और मैंने भी उनको कागज इस प्रकार देखा, मैंने अपने ईगो को वहीं खत्म कर दिया था और मैंने सोचा था कि इस टाइम्स में मैं एक इस मिशन के तौर पर इसमें जुड़ूंगा और काम करूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो है ना इसके अंदर जुड़ा हूं और मुझे लोगों की सेवा करने में और सभी को जो है ना देखता हूं इस पे जूम में, मैं भी खुद इसके अंदर होता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स सभी ऑल टाइम्स लीडर्स का और खासकर पांडे सर का जो इन्होंने जूम को चलाया और जूम के माध्यम से हम इस मीटिंग को सुन पाते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात इसमें कहना चाहूंगा, सेफी सर ने बताया था कि हम पांडे सर या हमारे जो अदर और लीडर्स जितने हैं उनकी एक 5 मिनट की झलक देखने के लिए हम कई कई किलोमीटर कई कई बसें भर के ले जाया करते थे, जो हमारे सेफी सर ने बताया था। ये वास्तव में एक दिल पे छूने वाली बात है और आज हमारे सामने होकर के वो 2-2 घंटे 1.5 घंटे में सामने एक एक बर्ड बताते हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, उनकी बात को समझ पा रहे हैं और हम अभी भी नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा जब मुझे मौका मिलेगा तो।